पूरा धूप में रखती हूँ, इसको कौन सा मिट्टी में मैं देती हूँ, साल में एक बार मैं खाद देती हूँ इसमें, और पूरा साल मुझे खाद नहीं देना पड़ता। तो देखिए क्या खाद देती हूँ, मिट्टी मिट्टी से ऐसा क्या मिला। फ्रेंड कैसे है आप लोग? तो आज मैं फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे गार्डनिंग चैनल फ्लावर हाउस में। तो मैं आज कुछ फ्लावर दिखाऊंगी, देखते रहिए, और कटिंग दिखाऊंगी, वो भी देख लीजिए, कटिंग का अपडेट दिखाऊंगी। फ्रेंड देखिए मेरा बोगनवेलिया का कलेक्शन देखिए, ये एच बी सिंह है, इसका कलर बहुत बहुत ही अच्छा है, और नीचे से भी निकला है इतने अच्छा छोटा सा प्लांट में। देखिए बहुत सारे फ्लावर हुई है, प्लांट बहुत ही छोटा है। मैंने एच बी सिंह मैंने ये लाया था पुष्पानगर नर्सरी से। देखिए पुष्पानगर नर्सरी से मैंने परचेस किया था ऑनलाइन, तो वो घर के आसपास आके दे गई है, और उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों को देखिए दिखाया है। ये सी बी करके है, ये पूरा नाम में मुझे अभी याद नहीं है। इसका भी कलिया देखिए, हर ब्रांच में कलिया आप देख सकते हैं। इसका जो फूल होती है वो ट्रिपल पेटल का होती है, ये जब पूरा हो जाएगी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। देखिए ये भी देखिए, ये भी बहुत ही छोटा प्लांट है लेकिन बहुत बुशी है, बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी जो कटिंग है, इसकी जो कटिंग है मैं लगाया था बोगनवेलिया का, उसकी कटिंग की अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं तो कटिंग लगाना आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन कटिंग की अपडेट मुझे दिखाना है, मुझे अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अपडेट देखते हैं, और आपके पास मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे जो बटन है वो बटन पे ऑल पे क्लिक कर देना, मेरा सब अपडेट वीडियो आप लोगों के पास जाएगी। मेरा ज़्यादातर वीडियो बोगनवेलिया और गुलाब को लेके है, सब अपडेट आप लोगों के पास जाएगा। देखिए कितना अच्छा फूल है, मुझे तो बहुत बहुत ही पसंद है इसको, मैं पूरा धूप में रखती हूँ, इसको कौन सा मिट्टी में मैं देती हूँ, साल में एक बार मैं खाद देती हूँ इसमें, और पूरा साल मुझे खाद नहीं देना पड़ता। तो देखिए क्या खाद देती हूँ, मिट्टी मिट्टी से ऐसा क्या मिलाती हूँ मैं। मेरा वीडियो में है बोगनवेलिया का मिट्टी मिक्स करना, तो देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए बोगनवेलिया का कटिंग की अपडेट। कटिंग मैं दिसंबर की 9 तारीख को मैंने कटिंग लगाई थी, आप लोगों को वीडियो दिया था। तो देखिए इसकी जो पत्तियाँ है वो पत्तियाँ निकल आई है, देखिए इसके भी पत्तियाँ निकल आई है, इसके भी पत्तियाँ निकल आई है, और थोड़ा थोड़ा बाकी है, ये डाल भी बाकी है, ये डाल भी बाकी है, ये ब्रांच भी बाकी है, लेकिन ये बहुत सुंदर हो गई है। देखिए इसका जो है वो ग्रोथ बहुत सुंदर हो गई है, तो आज मैं इसको दिखाऊंगी पूरा खा के इसमें रूट कितना हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है, सब कटिंग में नहीं हुई है अभी तक, इसीलिए मैंने ऐसे करके देखिए निकल जा रही है। देखिए मेरा मिट्टी बहुत बुरा है, निकल जा रही है, सब निकल जाएगी, देख लीजिए, एक भी नहीं रहेगी, सब निकल जाएगी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए देखिए हर प्लांट निकल गई है, हर प्लांट के ये देखिए, ये आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका रूट देखिए, इसका रूट आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इसका जो रूट है ये रूट हो चुकी है, देखिए इसकी प्लांट बहुत अच्छी हुई है। अब मैं उसको सब पिंचिंग कर दूंगी, देखिए इसका रूट कितना अच्छा हो गई है, और कोई ब्रांच में हुई क्या नहीं मैं ये देखूंगी। इसका देखिए इसका अभी ब्रांच के इसका अभी रूट नहीं निकला है, लेकिन इसके जो पत्तियां है वो पत्तियां निकल चुकी है। तो इस सबको मैं बहुत ध्यान से बहुत हल्के से मैं फिर से लगा दूंगी इसको, इसके में रूट आ जाएगी, और ये मैं अलग से लगा दूंगी, ये अलग से लगा के मैं आप लोगों को मिट्टी में था वो मिट्टी में था, लेकिन ये मिट्टी मैंने तैयार किया है, ये मिट्टी मैंने तैयार किया है, लेदर मिल, बोन मिल, हॉर्न मिल, सब कुछ मिला के मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था। मैंने एक महीने दो महीने के लिए इसको मिट्टी को तैयार किया है, इस मिट्टी में मैं इसको अच्छे से भुरभुरा कर लूँगी, इस मिट्टी में मैं दे दूँगी बोगनवेलिया के, इस मिट्टी में अगर मैं दे दूँगी तो 6 महीने तक, 1 साल तक कुछ भी खाना देना नहीं पड़ेगा। बीच बीच में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकती है, लिक्विड करके पानी में घुला के रूट में दे सकती है, और कुछ भी नहीं आपको देना पड़ेगा।
तो मैंने मिट्टी तोड़ लिया है, मिट्टी मैंने बुरबुरा कर लिया है, और इस मिट्टी से के साथ में जो मिलाना है वो कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ एक दो चीज़ मिला सकती है आप, नीम की खली मिला सकती है। मेरे पास अब नीम की खली नहीं है, मैं गोबर के सड़ा हुआ खाद ले रही हूँ। देखिए बहुत ही काला है ये, 1.5 साल से डिकम्पोस्ट किया है, मैं इसको दे दूंगी। और नीम की खली मेरे पास नहीं है, मैं नीम की खली में नहीं दूंगी। आप दी से दे सकती है, स्किप भी कर सकती है, लेकिन नीम की खली अगर मेरे पास आ जाएगी मैं बाद में दे दूंगी। अभी मैं इस दोनों को मिला लेती हूँ, मिला के इस पॉट में मैं दे रही हूँ। इसमें अब मैं जो होल है, ये होल के लिए मैं एक सेंडर का टुकड़ा दे रही हूँ, फुलम कुछ दे के बदले मैं सेंडर का टुकड़ा दे दिया है। अब इसको मिलाना है, अब इसको अच्छी तरह से मिला के जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगी। पहले मैं मिला लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने मिला लिया है, अब मुझे इसमें दे देना है। मेरा जो मिट्टी बनाया हुआ है वो मिट्टी बहुत अच्छा मिट्टी है, आप लोग वो वीडियो देख लेना। एक एक महीने तक, 20 दिन तक उस मिट्टी को तैयार करके बोगनवेलिया में दे देना, और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा बोगनवेलिया में। देखिए ये रूट वाला है, मैं इसको ऐसे बिठा दूंगी, ऐसे बिठा के मैं मिट्टी देके आप लोगों को देखिए दिखाती मैंने हूँ। इसको ब्रांच दिखा, हुई है, 3-4 ब्रांच निकला है, ये ब्रांच और ये ब्रांच बहुत छोटा है, ये बहुत लंबा हो गई है, ये बहुत लंबा हो गई है। मैं ऐसे इसको पिंचिंग कर दूंगी, देखिए ऐसे पिंचिंग अगर कर दूंगी तो यहाँ से 3-4 ब्रांच और निकलेगी, यहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेगी, यहाँ से दो तीन मुझे ब्रांच पानी निकलेगी। देना है, देखिए मैं पानी दे दूंगी इसमें। देखिए मैंने पानी दे दे रही हूँ, पानी जब तक नीचे से ना निकले तब तक मैं पानी देती रहूंगी इसमें। भरपूर मात्रा में पानी देके मैं रख दूंगी। अब रात 11 बजे है, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैंने रात को वीडियो किया है। देखिए नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो गई है, देख लीजिए नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो गई है। फिर से मैं और भी पानी दूंगी, देखिए इसको अच्छी तरह से मैं रख दूंगी। देखिए नीचे से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो पानी गई निकल है। चुकी है, और भी पान और पानी नहीं है, मैं अब इसको बाहर कर दूंगी, बाहर रख दूंगी। और जो कटिंग है वो कटिंग को मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगी, उस मिट्टी में ही लगा दूंगी। तो इसकी जब अपडेट हो जाएगी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। आज यही तक थी फ्रेंड, आप लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और ठीक ठाक रहना। तो आज मैं रखती हूँ, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं रखती हूँ, बाय बाय।